अच्छा रक्षाबाई, चूंकि आंखों की आप माहिर हैं, तो इस वजह से मैं ये जानना चाहूंगा, और हमारे देखने वाले भी, अब कब मैं पता चलता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है या आईसेट वीक हो रही है, उसकी अलामत क्या होती है? आंखों की बीमारियों की एक आंख एक पूरी दुनिया है। मैं आपको बताऊं कि अगर एक सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ एक आप ग्लोब की तरह पकड़ते हो, हमारी पूरी बॉडी एक सोलर सिस्टम और आंख एक ग्लोब, एक पूरी दुनिया, एक पूरी यूनिवर्स है। बल्कि बिल्कुल एक है। जो आई बॉल है ना, जो हमें इतना सा नजर आ रहा होता है, इसके अंदर एक वक्त में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी पूरी जिंदगी चलती है वो चीजें। ठीक है। तो उसमें कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारे प्रॉब्लम हमारी नजर में मुतासिर कर सकती है। हमें आमतौर पे सिर्फ ये पता है कि ऐनक लग गई है तो नजर कमजोर हो गई है। नजर कमजोर होने के बहुत से जो है हो सकते हैं प्रॉब्लम, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जिसमें ऐनक का लगना हो सकता है। वो क्या है, वो लाइट फोकस नहीं हो रही है जस्ट, और कई बार ऐसा होता है लाइट एंटर ही नहीं हो रही है। कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, लेंस में कोई प्रॉब्लम है, विट्रिस में कोई प्रॉब्लम है, ये सब आई के पार्ट है। सो आई एंटर होके सही जगह पे फोकस नहीं हो रही, या आई एंटर ही नहीं हो रही, कोई हिंड्रेंस है, ये सब चीजें बीमारियां डिफरेंट हैं। ठीक है। आपको जो मैं कॉमन, ये सॉरी मैं मेडिकल के उसमें समझाने में चलेगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक आम बंदे को कुछ नहीं पता और उसको ये हो कि मुझे आँख का कोई मसला हो गया, वो क्या तीन चार अलामत है वो मैं बता देती हूँ। लेकिन आपके आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम हो रही है, कोई देखे कि मुझे 6 महीने पहले ये जो मुझे जो पेशेंट वाके बताते हैं ना, ये जो टाइम पीस है ना, इसकी सुइयां नजर आ जाती थी, अब ये जो टाइम जो है ना क्लॉक, उसके मुझे 1 2 3 4 अब नहीं सही नजर आता। पेशेंट अक्सर ये कोई कहते हैं कि अखा लगे बदल आ जाते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, आंखों में लालगी आ जाना फॉर अननोन रीजन, एक होता है कि आंख में हल्की सी खारिश की हो गई, ऐसा बार बार हो रहा है, लालगी आ जा, आंखों में दर्द होना। ठीक है, अच्छा दूसरा अपनी आंखों को अच्छा, कई ये बार, आंखों में जो लालगी आती है, इसके मतलब आपकी आईसेट वीक हो रही है, बिल्कुल इसकी आईसेट वीक नहीं हो रही बट प्रॉब्लम प्रॉब्लम देर आ रही कैन है। बी एनी अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज्यादा देखने में आती है मेरे तो एक्सपीरियंस में, कि पेशेंट की एक आंख का प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रहा होगा, उसको दूसरी आंख से ठीक नजर आता है, वो उसको बॉदर ही नहीं कर रहा होता। डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली बच्चों में अम्बलियोपिया एक मसला है कि एक आंख की नजर कमजोर है, वो वहां पे टिक गई है, ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जा रहे, वो आगे वीएन बन ही नहीं सकी। तो कई बार बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जिस एज में उस आंख का इलाज होना चाहिए अम्बलियोपिया का, आंख की कमजोरी का, वो एज से गुजर जाते हैं, उनको दूसरी आंख से ठीक नजर आ रहा है, ना पेरेंट्स बॉदर कर रहे होते हैं, ना टीचर, ना वो खुद बॉदर कर। एग्जैक्टली ऐसे ही तो होता है। बड़े होकर पता चलता है किसी, कभी एक आंख में चोट लगी या एक आंख बंद करके देखा तो पता चला दूसरी आंख में तो नजर ही नहीं आता, तब आते हैं, और वो उस स्टेज पे पता ही नहीं चला, वो काफी उस बात स्टेज आगे पर निकल गई बात होती आगे है। निकल के।